इंग्लैंड के पूर्व क्रिकेट प्लेयर केवन पीटरसन इन दिनों भारत में वन्य जीवन के प्रोजेक्टों में गहरी रुचि दिखा रहे हैं। पीटरसन ने भारत के काजीरंगा नेशनल पार्क में एक सींग वाले गैंडों की संख्या में हुए इजाफे पर खुशी का इजहार किया है। गौरतलब है कि पीटरसन इससे पहले छत्तीसगढ़ का एक दौरा करके एक चीते के शावक को गोद लेने की इच्छा भी जता चुके हैं। पीटरसन ने काजीरंगा में गैंडों की संख्या बढ़ने पर एक ट्वीट करके खुशी जताई। खास बात ये है कि उन्होंने ये ट्वीट इंग्लिश में नहीं बल्कि हिंदी में किया। उन्होंने लिखा, यह बहुत अच्छी खबर है, इसे पढ़ने के लिए मैं बहुत खुश हूँ। इंडिया में आपसे बहुत प्यार करता हूँ और आपको और आपके जानवरों से भी बहुत प्यार करता हूँ। आपके सभी प्यारे जानवरों से प्रतिबद्ध है। हम राइनो से शुरुआत कर रहे हैं, मैं बहुत खुश हूँ। अगर देखा जाए तो ये पहला मौका नहीं है जब किसी विदेशी क्रिकेट प्लेयर ने हिंदी में ट्वीट करके सबको हैरान कर दिया हो। गौरतलब है कि इससे पहले न्यूजीलैंड के क्रिकेट प्लेयर रॉस टेलर ने भी हिंदी में ट्वीट करके भारत के लोगों का दिल जीत चुके हैं। पिछले साल अक्टूबर में रॉस टेलर और भारत के पूर्व ओपनर वीरेंद्र सहवाग के बीच ट्विटर पर हिंदी में रोचक संवाद हुआ था। इस संवाद की शुरुआत वीरेंद्र सहवाग की ओर से टेलर को दर्जी का संबोधन करने से हुआ था। सहवाग ने टेलर को उनकी पारी पर बधाई देते हुए लिखा था, वेल प्लेड दर्जी जी, दिवाली के ऑर्डर झेलने के बाद एक बेहतरीन प्रदर्शन। सहवाग के इस ट्विटर का जवाब हिंदी में देते हुए टेलर ने लिखा था, थैंक्स भाई, अगली बार अपना ऑर्डर टाइम पर भेज देंगे तो मैं आपको अगली दिवाली के पहले डिलीवर कर दूंगा, हैप्पी दिवाली। और दूसरी तरफ पीटरसन ने हाल ही में क्रिकेट के सभी फॉर्मेट में संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। दक्षिण अफ्रीका में जन्मे लेकिन इंग्लैंड की ओर से क्रिकेट खेलने वाले पीटरसन ने 104 टेस्ट में 8181 रन बनाए हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।